पूर्ण वेतन लागू करने और स्थायीकरण को लेकर महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ग्रेटर हेरिटेज के कर्मचारी साथियों द्वारा लाल कोठी मुख्यालय ग्रेटर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महोदय को स्थायीकरण और नियमित वेतन श्रृंखला लागू करने हेतु ज्ञापन दिया गया तथा महापौर द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया बल्कि तुरंत स्थायीकरण और पूर्ण वेतन लागू करने पर गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिससे हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं और निगम प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रशासन में उपायुक्त कार्मिक महोदया ममता नागर जी और डीसी हेल्थ कमिश्नर हर्षित वर्मा को तो ग्रेटर में लगे सफाई कर्मचारियों का पता ही नहीं कि कितने सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, जो वीडियो में आपके सामने है और बात हो रही है यूनियन की। एक कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा करता था अध्यक्ष नंद किशोर और नीचे फलाना ढिकड़ा। कुछ नहीं कर सकती यूनियन और ना कभी कर्मचारियों के हित का काम किया है। आज टीम के साथियों ने हौसला दिखाया और संघर्ष को मजबूत बनाकर एक कदम और आगे बढ़ाया। ज्ञापन देता पवन चौधरी, दिलखुश गुर्जर, दीनाराम खटाना, रामफल गुर्जर, प्रमोद चौधरी, काना गुर्जर, हरीश मीना, कृष्ण मीना, विनोद चौधरी, विकास, तेजपाल चौधरी, खुशी राम, मनोज प्रजापत, नरसिंह प्रजापत, अशोक, धर्मवीर, हरीश मीणा, नरेंद्र, राम सिंह मीणा, महेंद्र प्रजापत और समस्त कर्मचारी मौजूद रहे।